पुतिन की जुबान से एटम बम का नाम क्या निकला? न्यूक्लियर बम का वर्ल्ड अलर्ट एक बार फिर से सामने आ गया है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, एक साथ कई मोर्चों पर परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया है। देश के नंबर वन न्यूज चैनल के इस नंबर वन शो में अब हम आपको दिखाएंगे युद्ध की न्यूक्लियर पिक्चर। डर इस बात का है कि पुतिन ने एटम बम के 4 नए तहखाने बना दिए हैं और ऐसे में दुनिया भर में खौफ का लेवल क्या है, आप इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्या इस विलय ने एटम बम के विस्फोट का बिगुल बजा दिया है? क्या विलय का डॉक्यूमेंट साइन कर पुतिन ने अपने नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को हरी झंडी दिखा दी है? क्या इस सेलिब्रेशन के शोर में न्यूक्लियर वॉर का सदमा समाया है? क्योंकि दुनिया को इस तस्वीर में 7 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े और परमाणु युद्ध का नया सिनेरियो दिखाए। उससे पहले इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोगों का पात्र परिचय जान लीजिए। इस तस्वीर में सबसे बाएं हैं व्लादिमीर सोल्टो, जिन्हें मॉस्को ने खेरसोन क्षेत्र का प्रमुख बनाया है। उनके बाएं हैं लियोनिद पासेश्किन, जिन्हें पुतिन ने लुहांस्क का प्रमुख बनाया है। बीच में हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पुतिन के दाहिने खड़े हैं डेनिस पोशिल, जो डोनेस के चीफ बनाए गए हैं। और सबसे दाएं हैं येवगिनी बालित्स्की, रूस में विलय वाले ज़ापोरिज़्या के प्रमुख। अपने 4 सच्चे सिपाहियों के साथ कितने खुश हैं और बिना किसी लाग लपेट के यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगार अमेरिका और पश्चिमी देशों को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। Будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами. И сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. सुना आपने, पुतिन का कहना है कि नए क्षेत्रों की रक्षा और वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, यानी कुछ भी करेंगे। पुतिन के इस बयान में अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर का इशारा नजर आया। सुनिए व्हाइट हाउस में अमेरिका के एनएसए क्या बोल रहे हैं। Nuclear weapons on his mind today when he was giving this speech. He said the West is deceitful, hypocritical. The United States is the only country to have used nuclear weapons. And he said, by the way, they have created a precedent. How worrying is that to you? Clear myself, President Biden has been clear, our administration has been clear that there is a risk, given all of the loose talk and the nuclear saber rattling by Putin, that he would consider this, and we've been equally clear about what the consequences would be. We have communicated that directly to the Russians. We do not presently see indications about the imminent use of nuclear weapons. सवाल है, क्या यूक्रेन जंग का द एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? ज़ेलेंस्की की सेना न्यूक्लियर अटैक से यूक्रेन को बचा पाएगी? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन अमेरिका को यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके के काले बादल मंडराते जरूर दिख रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के 4 इलाकों के विलय के बाद पुतिन ने कुछ ऐसा ही इशारा दिया है। Это запомнили все люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда. पुतिन के इस बयान का एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि वो यूक्रेन से रूस में मिले डोनेस्क में अपने परमाणु बम लगा सकते हैं, लुहांस्क में न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर सकते हैं, ज़ापोरिज़्या तो पहले से ही यूरोप का न्यूक्लियर हब है, और खेरसोन में भी पुतिन परमाणु पनडुब्बी तैनात कर सकते हैं, जिसके बाद यूक्रेन के साथ साथ यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद नेटो देश अब और करीबी के साथ रूस के न्यूक्लियर रेंज में आ जाएंगे। यानी यहाँ से रूस, नेटो देश,
एस्टोनिया पर हमला कर सकता है, लातविया पर अटैक कर सकता है, लिथुआनिया पर परमाणु प्रहार कर सकता है, यूक्रेन के बड़े मददगार पोलैंड पर न्यूक्लियर निशाना साध सकता है, स्लोवाकिया पर एटॉमिक सनसनी मचा सकता है, हंगरी में न्यूक्लियर हंगामा मचा सकता है और रोमानिया में भी रेडिएशन की आग लगा सकता है। रूस के पास जल थल नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं, जिसमें 1,458 परमाणु हथियारों की सैन्य तैनाती कर रखी है। इनमें से 527 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है, जिनकी तैनाती अलग अलग परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत और लड़ाकू विमानों में की गई है। लेकिन ज़ेपोरेज़िया के रूस में विलय के बाद पुतिन को एक ऐसा न्यूक्लियर हथियार मिल गया है, जिसके बूते रूस यूक्रेन में ना बम चला पाएगा, ना मिसाइल बरसाएगा, ना ही टैंक गरजेगा, ना फाइटर जेट बारूद बरसाएंगे, फिर भी आधे यूक्रेन में हाहाकार मच जाएगी। बिना एटम बम फते ही यूक्रेन के पड़ोसी देशों में रेडिएशन फैल जाएगी। खतरा बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि उस वक्त न्यूक्लियर डेंजर का अलार्म बज रहा होगा। रूस की जिद और यूक्रेन के डर के बीच परमाणु तबाही कभी भी आ सकती है। और इस तबाही का एपी सेंटर बनेगा यूक्रेन का ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट। ज़ेपोरेज़िया के रूस में विलय के बाद पुतिन की माने तो ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट अब रूस का हो गया है। ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट में से एक है। यहाँ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने इसके कंट्रोल बिल्डिंग पर अटैक किया था और ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था। यूक्रेन के हाइड्रो मेटेरियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में ज़ेपोरेज़िया को लेकर बहुत बड़े परमाणु खतरे की स्टडी हुई है, बहुत ही गहन रिसर्च की है। रिसर्च का डेटा बहुत बड़ी वार्निंग देता है। संस्थान के डेटा के मुताबिक अगर ज़ेपोरेज़िया न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन फैलता है तो सबसे खराब हालात सेंट्रल यूक्रेन की होगी। वहां विस्फोट से तत्काल कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, इसके बावजूद आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के इलाके में रेडिएशन फैल जाएगा। जबकि 2,745 हथियारों को रिजर्व रखा गया है। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। And we're fully prepared to defend it. I want to say this again. America is fully prepared with our NATO allies to defend every single inch of NATO territory. Every single inch. So, Mr. Putin, don't misunderstand what I'm saying. Every inch. And I have to be, I've been in close touch with our allies. बाइडेन के बयान से साफ है कि पुतिन और बाइडेन की वार पलटवार में अब सीधे सीधे परमाणु बम आ गया है, क्योंकि अगर परमाणु जंग छिड़ गए तो रूस की न्यूक्लियर मिसाइलों के पोलैंड की राजधानी वार्सा तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट का वक्त लगेगा, और तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर तक रूस की न्यूक्लियर मिसाइल सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएगी। दुनिया में जिस परमाणु युद्ध की बातें हो रही हैं, अमेरिका जिस न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा जता रहा है, वो सिर्फ ख्याली बातें नहीं, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि हम झांसा नहीं देते, और ये बात हर कोई जानता है कि पुतिन जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम लेते हैं। विस्फोट के बाद प्लांट से रेडिएशन के बादल निकलने लगेंगे, लेकिन इंसानों की आंखों से देखना संभव नहीं होगा। लेकिन प्लांट से निकले रेडिएशन वाले कण यूक्रेन की सीमा से बाहर निकलकर यूरोप में फैल जाएंगे। इसमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे देश शामिल होंगे, जहां रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। इनमें से अधिकांश देश नेटो के सदस्य हैं। ऐसे में अगर यहां रेडिएशन फैला तो वो युद्ध रूस वर्सेस नेटो में भी बदल सकता है, जो यूक्रेन युद्ध से कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या रूस ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है।